दुनिया में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं होता है, जो बियॉन्ड द साइंस होता है, जैसे भूत, आत्मा, स्पिरिट। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बकवास है। लेकिन इन दोनों के बीच तीसरे लोग भी हैं जो ये पूछते हैं कि विज्ञान क्या कहता है, क्या साइंस मानता है कि भूत होता है या फिर नहीं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बीच वाली श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। भौतिकी के अनुसार मैटर के दो स्वरूप होते हैं, फर्मियॉन और बोसॉन। फर्मियॉन कण वे कण होते हैं जो पदार्थ को बनाते हैं। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दूसरा है बोसॉन कण। ये वे कण होते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इनका कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है, उदाहरण के तौर पर ऊर्जा और ऊष्मा। एक ही जगह पर एक निश्चित स्थान पर एक से अधिक बोसॉन हो सकते हैं, लेकिन फर्मियॉन का द्रव्यमान होता है। इस कारण एक ही जगह एक निश्चित स्थान पर एक से अधिक फर्मियॉन उपलब्ध नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठकर कोई कार्य कर रहा हो, तो यह निश्चित है कि आप या अन्य कोई उसी समय उसी कुर्सी पर उसी निश्चित स्थान पर उसी तरह बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम सभी का शरीर और पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर प्रकार का पदार्थ फर्मियॉन कण से बना हुआ है, जिसके कारण उसी निश्चित स्थान पर अन्य कण नहीं हो सकता या नहीं रखा जा सकता। लेकिन बोसॉन की बात की जाए तो ये कण इसी जगह होने के बावजूद वह जगह खाली रहती है। उस खाली जगह पर अन्य फर्मियॉन या दूसरा बोसॉन कण रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश भी बोसॉन कण से बना होता है। जैसे एक प्रकाश की किरण किसी जगह से गुजर रही हो, तो दूसरी प्रकाश की किरण भी उसी जगह से गुजर सकती है बिना किसी रुकावट के, जैसे एक्सरे किरणें। नॉन पार्टिकल में द्रव्यमान होता है, लेकिन अन्य गुण बोसॉन के समान ही होता है। नॉन पार्टिकल एक ही समय पर एक ही स्थान पर रखे जा सकते हैं, बिल्कुल बोसॉन के समान। तो भूतों का अस्तित्व बोसॉन कण या नॉन पार्टिकल के रूप में हो सकता है। साइंस ने भूतों को डिकोड करने के लिए कुछ उपकरण इजाद किए हैं। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में भूतों की मौजूदगी दर्ज की जाती है, लेकिन मोबाइल कंप्यूटर और टीवी यह भी EMF छोड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले जिस जगह भूतों का मौजूदगी का पता लगाया जाता है, उस स्थान की पहले सामान्य EMF रीडिंग ली जाती है। दूसरा, भूत प्रेत की उपस्थिति वाले स्थानों पर सामान्य वातावरण में 10 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है या ठंड महसूस होने लगती है। सामान्य वातावरण में भी गिरावट आ जाता है। तीसरा, भूत प्रेतों को कुछ स्थानों से ऊर्जा आसानी से मिल जाती है, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य कारणों से। चौथा, EMF या घोस्ट मीटर में अगर कांटा 8 घोस्ट तक पहुंच जाए तो उसको भारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी माना जाता है। 8 घोस्ट के ऊपर की एक्टिविटी मानव निर्मित उपकरणों द्वारा भी हो सकती है। पांचवा, 1 से 8 घोस्ट तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मापा जाता है। जो EMF उपकरण होता है उसमें भूतों की उपस्थिति देखने के लिए 1 से 8 तक ही रखा जाता है। इसी के बीच भूतों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भूत होते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।